नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जयसवाल आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कैसे किसी भी फोल्डर या फाइल को हाइड कर सकते हैं, वो भी विदाउट किसी ऐप के। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फोटो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स हाइड करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दो स्टोरेज शो करेंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो मैं आपको इंटरनल में दिखाता हूँ कि कैसे हाइड करेंगे। इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको यहाँ थ्री डॉट आइकन पे क्लिक करना है और एक फोल्डर क्रिएट करना है आपको, क्रिएट फोल्डर। और यहाँ पर किसी नाम से मैं फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ, टेक नाम से एक मैं फोल्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ। आता हूँ मैं इसमें, सिंपल सा एक आपको फ़ोटो हाइड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको वहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इंटरनल में हमें करना है, तो इंटरनल पे सेलेक्ट करके वो फोल्डर में इसको कॉपी कर देना है जो टेक नाम से हमने क्रिएट किया था। ये है टेक नाम से फोल्डर, इसमें सिंपली सा आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ोटो पेस्ट हो गया है। अभी इसको हमें हाइड करना है। किसी भी फ़ोटो या फिर वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सटेंशन नेम होता है, अगर आप उसको चेंज कर देते हो तो वो आपका डैमेज या फिर करप्ट फाइल दिखाता है। इसके लिए हमें ये जो फ़ोटो का एक्सटेंशन हम चेंज कर देंगे, इस पर क्लिक करना है और मोर पे जाना है, इसे रीनेम कर देते हैं हम। जो यहाँ पर .jpg जो एक्सटेंशन है, इसे हम चेंज करते हैं। इसे आप अपने नाम से या फिर किसी नाम से रख सकते हैं। तो आपको याद करने के लिए सबसे फर्स्ट आप किसी ऐसे नाम से रखिए जैसे अपने नाम से भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना नाम दे देता हूँ। तो देखिए मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर चेंज करने के लिए आपसे पूछेगा एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन यू मे नॉट एबल टू ओपन। तो इसको जैसे मैं चेंज करता हूँ, ओके करता हूँ, करप्ट दिखाने लगता है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सेलेक्टेड फॉर्मेट पूछने लगेगा, तो ये आपका ओपन नहीं होगा। अगर आपको कोई वीडियो इसमें पे हाइड करना है तो सिंपल सा आपको उसका जो MOV या फिर MP4 एक्सटेंशन है उसको चेंज करके आ जाए, या फिर कोई और जो फाइल है वो हाइड हो जाएगा इसमें। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना है तो इसमें कैसे हाइड होगा, जैसे कि मैं एक डॉक्यूमेंट्स इसमें से सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी इंटरनल पर जाना आपको, टेक फाइल में, ये टेक फाइल है, यहाँ पर पेस्ट करना है सिंपली से आपको। उसके बाद इसका सिंपली से आपको रीनेम कर देना है, मोर पे क्लिक करना है, रीनेम। जो इसका लास्ट का .pdf फाइल जो इसका एक्सटेंशन है, इसको ही आपको चेंज करना है। इसको मैं अजय या फिर दूसरे नाम से एक्सटेंशन रख सकता हूँ। ओके करते हैं और ये चेंज करने के लिए पूछ रहा है, तो इसे आप ओके कर देना है। तो ये भी इसका जो एक्सटेंशन फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। अगर कोई इसे ओपन करने की कोशिश करेगा तो एरर दिखाएगा, ये ओपन नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वीडियो कैसे इसमें हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली सा बैक चलते हैं और कोई एक वीडियो लेते हैं। मैं इसमें से ये एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ जो कि MP4 फाइल है। इसको सिंपली सा सेलेक्ट करना है, मोर पे जाकर कॉपी करना है, फिर उसके बाद इंटरनल स्टोरेज में जाना है, जो टेक नाम से आपने फोल्डर बनाया है उसी में हम इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। अभी सिंपली सा जो इसका MP4 एक्सटेंशन है, इसे हम अजय नाम से चेंज कर देंगे। तो इस पर सिंपली सा आपको क्लिक करना है, मोर पे जाना है, रीनेम करना है इसको, जो MP4 नाम से है इसे हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये ओके करते हैं, ये चेंज करने के लिए पूछ रहा है, तो ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो है आपको
फोटो है जो एक वीडियो है और थर्ड जो है एक डॉक्यूमेंट्स है। इसको ओपन करने की कोशिश करेगा तो ओपन नहीं होगा क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है सबका चेंज हो चुका है। अगर इसका जब तक हम जेपीजी फोटो का .jpg और वीडियो का .mp4 या .mov और डॉक्यूमेंट्स का .documents या .exe फाइल एक्सटेंशन जब तक इसको रीनेम करके नहीं करेंगे तब तक ये ओपन ही नहीं होगा। इसके लिए जैसे कि आप देख लिए कि फ़ोटो को कैसे आप या फिर वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स को कैसे हाइड करते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप इस जो हाइड हुए फोल्डर को या फाइल को कैसे ला सकते हैं। जो टेक नाम से फोल्डर है उसको ओपन करते हैं और इसमें जो फाइल्स हैं जैसे कि फ़ोटो है इसका आपको रिटर्न आपको देखना चाहते हो या फिर लाना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है, रीनेम पे। तो ये फ़ोटो का फाइल है वो आपको डॉट एज हटा के इसको डॉट ऑलरेडी है तो JPG लिखने का है और ओके कर देने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया और ये फ़ोटो दिखने लगा और ये वीडियो अभी आपको दिखाते हैं कैसे इसको अनहाइड करते हैं। तो इसके लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, आपको मोर पे जाना है, रीनेम पे तो .mp4 करना है इसको, तो ऑलरेडी डॉट है तो .mp4 लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। और यहाँ चेंज करने के लिए पूछ रहा हूँ ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो भी रिटर्न शो होने लगा है। अभी ये डॉक्यूमेंट्स इसको कैसे लाएंगे तो इसके लिए सिंपली से आपको इसको सिलेक्ट करना है, मोर पे क्लिक करना है, रीनेम पे जाना है, जो अजय है इसे PDF कर देते हैं हम, एक्सटेंशन इसका PDF। ओके ओके। तो सेम इसी तरह आप अपने किसी फोटो फाइल या फिर वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट्स को हाइड करके रख सकते हैं जो कि कोई देख नहीं सकता। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई लास्ट का जो एक्सटेंशन आप चेंज करते हैं उसे आप याद करके रखें जिससे कि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और सेम इसी तरह आप एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं जैसे कि मेमोरी या फिर पेन ड्राइव, तो इसमें सेम ऐसे ही जाके आप किसी भी फाइल या वीडियो या फिर फोटो या फिर डॉक्यूमेंट्स को आप हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा के रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।